नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दिन है बुधवार और सुबह के मेरे सारे काम निपट चुके हैं और स्टोर रूम जो कल आधा किया था अभी भी थोड़ा बचा ही हुआ है, तो उसको करूँगी कल कंप्लीट, उसके बाद आपको दिखाऊँगी। और बस आज बनाने जा रही हूँ अभी दोपहर का खाना, तो दोपहर के खाने में तुअर की दाल और चावल बनेंगे और करेले की सब्जी बनाऊंगी। बस सिंपल सा ही खाना है आज दोपहर का, तो आप बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में। और अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं या मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में और चलते हैं किचन में। चावल वैसे तो साफ ही रहते हैं पर बनाने से पहले एक बार देख लेती हूँ, क्या है कि स्टोर करके रखने से कभी कीड़े वीड़े भी लग जाते हैं, तो इसलिए एक बार देख लेती हूँ। तो अभी है शाम का टाइम और शाम की चाय वगैरह हो गई है, आरती पूजा भी हो गई है। और दिन को जब मैं खाना बनाने आई तो कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, तो कोई भी शूट नहीं हो पाया। और अभी बस खाना बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो आज खाने में थोड़ी सी बैंगन की सब्जी बनाऊंगी और बच्चों के लिए देखती हूँ कुछ और बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को कम पसंद है बैंगन की सब्जी। तो बस वही जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और एकदम उमस हो गई है, तो लगता है फटाफट खाना बना के और किचन से बाहर निकले। तो जल्दी जल्दी से बनाती हूँ खाना और मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। ये थोड़ा पनीर रखा हुआ था तो मैंने सोचा कि शाम को बच्चों को थोड़ा फ्राई करके दे देती हूँ। तो ये घर के घी में थोड़ा शुद्ध घी डाल के और इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च, चाट मसाला वगैरह डाल के सेक लेती हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी होता है। क्या गर्मी में ग्रेवी वाली सब्जी बहुत गर्म लगती है, तो ये हल्की फुल्की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं ये ऐसे सेक के दे देती हूँ। और आप लोग देखते होंगे रेसिपी में भी मैं ऐसे ही सिंपल अभी दिखाती हूँ रेसिपी, ज़्यादा ग्रेवी वगैरह वाली नहीं दिखाती हूँ और इस टाइप की दिखाती हूँ जो हर कोई बना सके और जो घर पे सामान होता है उसी से बन जाती है, ज़्यादा कुछ लेना नहीं पड़ता मेरे को। तो ये देखिए यहाँ पे तैयार हो गया है पनीर। बच्चों को ये पनीर देने के बाद मैं बस ये आटा लगा ले रही हूँ और आटा लगा के फिर सब्जी बना लूँगी। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है बस फटाफट खाना बन जाए और मैं निकलूँ किचन से। तो हर मतलब लेडीज़ को ये लगता ही है गर्मी के टाइम में, ठंड के टाइम में तो ऐसा है कि जितनी देर भी किचन में रह जाओ पता नहीं चलता, लेकिन गर्मी में बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस ये आटा लगाने के बाद बना लूँगी सब्जी।
तो यहाँ पर बन चुकी है बैगन आलू की सब्जी, टेस्टी टेस्टी। और अब बस मैं फुलके बना लूँगी और बस खाना खाने के बाद जय के साथ बैठूँगी ब्लॉग की एडिटिंग करने के लिए। उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है एडिटिंग में, शूट में तो टाइम लगता ही है बट एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए भी टाइम स्पेशली निकालना पड़ता है मेरे को, तो रात को ही बैठती हूँ। तो बस चलिए, सब्जी भी बन गई, फुलके भी बन जाएंगे, तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।